सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। IPL 2023 का जादू इस वक्त दुनिया के सिर चढ़कर बोल रहा है, और इसी बीच एक सनसनीखेज खबर सामने आई। खबरें हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बड़े खिलाड़ी से टीम की अंदरूनी जानकारी मांगी गई है। ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद सिराज, जिन्हें कुछ समय पहले एक कॉल आया था जिसमें उनसे इस तरह की चीज पूछी गई थी। PTI की खबर के मुताबिक मोहम्मद सिराज ने BCCI की एंटी करप्शन यूनिट को इसके बारे में बता दिया है। मोहम्मद सिराज ने बताया कि एक अनजान शख्स ने IPL में काफी पैसा हारने के बाद उनसे संपर्क बनाया और टीम की अंदर की जानकारी मांगी। सिराज ने तुरंत इसकी जानकारी BCCI के ACU को दे दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद सिराज से संपर्क साधने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। खुलासा हुआ है कि वो कोई सटोरिया नहीं था, वो हैदराबाद में रहने वाला एक ड्राइवर था। BCCI की एंटी करप्शन यूनिट ने इसकी जांच शुरू कर दी। बता दें IPL पर पहले भी स्पॉट फिक्सिंग के दाग लग चुके हैं। साल 2013 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने वाले पूर्व तेज गेंदबाज एस श्रीसंत समेत तीन खिलाड़ी इसी तरह के मामले में फंसे थे। सजा के तौर पर वो काफी समय तक बैन भी रहे। आपको बता दें मोहम्मद सिराज ने अज्ञात आदमी के फोन की जानकारी ACU को देकर बेहतरीन काम किया है, क्योंकि पिछले साल बांग्लादेश के पूर्व कप्तान साकिब अल हसन को भी इस तरह का फोन आया था और उन्होंने BCCI ACU को कोई जानकारी नहीं दी थी, जिसके बाद उन पर बैन लग गया था। वैसे आपको बता दें सिराज IPL 2023 में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। दाएं हाथ का ये गेंदबाज इस सीजन 5 मैचों में 8 विकेट ले चुका है। सिराज का इकोनॉमी रेट भी महज 7 रन प्रति ओवर है। चिन्ना स्वामी की पाटा पिच पर भी सिराज का जलवा कायम। उनकी गेंदों पर रन बनाना इतना आसान नहीं हो रहा है, हालांकि इसके बावजूद भी उनकी टीम अंक तालिका में 8वें नंबर पे है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।